Heads, is the call from Arya? It is tails. Oh, Sonu, toss jeet ke ki karna? So we will bowl first. Yeah. I can imagine this green grass and there's a new pitch and cloudy sky. So just get ready to bowl. You're not playing. I saw you swing the ball. Yeah, we were just I said all these team people have been playing collectively. So I just want them to play. Punjab this year ke liye gendbazi ki shuruaat karenge Ninja. फील्ड की सजावट पे भी नजर डाल लेते हैं। देखिए पावर प्ले है 3 ओवर्स के। पहली गेंद बाहरी किनारा लगाए और रन मिलेंगे यहाँ पे कम से कम 2 और सोच हो सकती है 3 की जिनाई। 2 से संतोष किया। चलिए पहले रन स्कोरबोर्ड पे यानी खाता खोल लिया चेन्नई राइनोज ने। ओ अंदर आई थी ये गेंद, अंदरूनी किनारा है, रन मिल जाएंगे। आर्या ने खाता खोल लिया अपना। चलिए कम से कम 2 रन कप्तान के नाम भी आते हुए। फुल टॉस बॉल, कवर्स पे मार दिया है 1 रन के लिए। ओवर थ्रो हो सकते हैं, ब्रिलियंट। देखिए डायरेक्ट हिट थी। इसकी वजह से कई बार विकेट मिलती है लेकिन यहां पे नहीं, लगभग 3 या 4 मीटर। ये विकेट हो सकती है और विकेट होगी। निंजा ने कोई गलती नहीं करी है कैच पकड़ने में और बबल के नाम सफलता यानी पहला झटका। 2 बार चैंपियन रही टीम चेन्नई राइनोस को लगता हुआ। ये मिक्सअप हो सकता है, रन आउट का मौका है और परफेक्ट थ्रो, डायरेक्ट हिट। जाना पड़ेगा रमन्ना को वापस। याद रखिए उनके रनर मौजूद थे जो दौड़ रहे थे नॉन स्ट्राइक का जोर और वो पहुंचे नहीं है। बहुत निराश होंगे रमन्ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप भाग सकते हैं ना, खुद आइए और रनर लेकर ना आइएगा, फिर नजर डालिए यहाँ पे। ये चर्चा हमने कल भी किया था जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और यहाँ ब्रिलियंट डायरेक्ट हिट फ्रॉम कवर्स, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट। और रमन्ना बिल्कुल खुश नहीं, उठा दिया है उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का। क्या पिकअप था ये, लेंथ बड़ी जल्दी से नोटिस किया और डिस्पैच कर दिया मिड विकेट पे। 42nd 6 ऑफ द टूर्नामेंट। फुलर बॉल और अंपायर इस बात से सहमत और आउट दे दिया है एंड ही हैज टेकन अ रिव्यू। विक्रांत हैज टेकन अ रिव्यू, ही इज शोइंग दैट इट्स हिट द बैट। सवाल ये, बैट्समैन कह रहे थे कि क्या अंदरूनी किनारा है और इस एंगल से ये देखना पड़ेगा कि क्या अंदरूनी किनारा था। जी हाँ, टीवी अंपायर ने कहा है कि एक हल्का सा इनसाइड एज था। और एक और वही मुजाहिरा उस कमिटमेंट का। याद दिलाना चाहूंगा मैं सभी दर्शकों को, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है। फोटो इज जवाई ना, ये हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है सोनू टांग लेके ऊपर और काफी काम का नुकसान हुआ था। ये शायद सिग्नल किया जाएगा यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, 6 है, बड़ा प्रहार है। And you know, उनके लिए एक बड़ा ड्रीम है, मैं खेल चुका हूँ यहाँ पे। सो वाओ, सो आई थॉट कि आज मेरी कोई और खेले एंड आई एम श्योर यू नो दे विल डू वेल। ओह, सीधा हाथ में जा रही है, पीछे स्वीपर कवर मौजूद थी। वेल स्ट्रेट इन द हैंड्स, बढ़िया कैच है, टॉप एज लगाया और आखिरकार जस्सी गिल ने आते ही अपनी फ्लाइट लैंड करा दी। क्या शॉट है, इज अ पिकअप शॉट है, हुक मारा है। इसे स्कूप में ज्यादा कहूंगा, हुक कम कहूंगा, पर विक्रांत ने अच्छी गति पकड़ी है। 12 गेंदों में 22 बना दिया। हम सेंसिबल मिस फील्ड है, ये होता प्रेशर। निंजा ओह क्या शॉट है, सीधा। ओ अच्छा, एक हाथ से ट्राई कर दिया और 6 हो गया। चाहते तो रोक सकते थे पर कैच पकड़ने गए, पर स्पीड इतनी थी कि जज नहीं हो पाया। उसका फायदा जो बाद में टीमें खेल रही हैं उनको मिलता जरूर है। ये थोड़ी सी स्क्रिप्ट पता लगती है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट से ज्यादा एक फील्ड के ऊपर जो आपका मेंटल, यहाँ
विक्रांत का अच्छा साथ देने की इनकी उम्मीद रहेगी। अच्छा शॉट कट किया, यहां पर रनर की कोई आवश्यकता नहीं, चार रन मिलेंगे। जबरदस्त शॉट अतुल भाई। It's been, have you guys been practicing for a long time? It's been, it was a very, very short notice that we had this time, and we have been practicing for a month now. The team looks good. Yeah, it looks very good. Action oriented, it would be Kalayarsen. He's full of action on and off the field. On and off the field. And the diamond, somebody who loves taking the risks. I think Jeeva. Jeeva, he loves taking the risks. Well, just like cards, we also have a bouquet of actors here who all drive with the motto of let's play together straight as A23. Thank you so much and all the very best. Oh, badhiya shot. Zabardast disha dikhai sirf gend ko. Ball ki pace ke saath yahan par 4 run collect karte hue. Yaar, bahut hi badhiya batting kar rahe hain. Athletic controlled batting. Kitne pyar se, ab injury ke baad bhi, he's just playing the field. Pass mein Vikrant. ओ, इस बार खेलना चाहते थे रिवर्स, लेकिन 22 के रन मिल जाएंगे भरे हुए और अपने जज्बातों को यहां पर दिखाया उन्होंने। इस बार खेल दिया है लेग साइड पर, दो बाउंस के साथ फील्डर के हाथों में गेंद। देखिए, बॉल की पिच तक पहुंचने के लिए स्टेप आउट किया उन्होंने, सपोर्ट की जरूरत थी, जिस सारथी की जरूरत थी वो नहीं मिल पाया। इस बार बड़ा शॉट और इस बार दो रन जरूर मिल जाएंगे और अपने उस अर्धशतक को पूरा कर लेंगे विक्रांत। बेहद निरंतर, बेहद कंसिस्टेंट, एक और हाफ सेंचुरी सीसीएल के इतिहास में जोड़ते हुए विक्रांत। दूसरी हाफ सेंचुरी है इस सीजन की, क्या बैटिंग की है, लाजवाब। 83 पे 3 आखिरी ओवर और दक्ष दो की मांग करते हुए पहला रन तेजी से भागा था, लेकिन विक्रांत को चाहिए स्ट्राइक। बिल्कुल समझदारी है, मुझे लगता है कि मैक्सिमाइज करना है अगर आपको ये शुरुआत को, तो स्ट्राइक पर दशरथी। ओ, इस बार बाउंस भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, रन आउट का मौका था लेकिन वहां हुई एक चूक, लेकिन विक्रांत आ गए एक आखिरी बॉल खेलने के लिए। हो रहा है, क्या शॉट लगाया, क्या बढ़िया शॉट, चलाकी देखिए, और हल्का सा लेग साइड पर ड्रिफ्ट कर गए, चौके से अपनी पारी समाप्त की और बयान रन बना लिए। विक्रांत 56 पे, 9 रन आए इस आखिरी ओवर से, 92 का स्कोर है, 92 का स्कोर। जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा है पिच पर, शायद अच्छा स्कोर हो, लेकिन जब जब तक पंजाब शेर के खिलाड़ी बैट्समैन यहां आना जाए तब तक हम कह नहीं सकते। चेन्नई राइनोज बनाम पंजाब द शेर का ये मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, तीसरा दिन इस बेहतरीन वीकेंड का। चेन्नई राइनोज ने, जिन्हें टॉस जीतकर पंजाब द शेर ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा था, 92 पर 3 का स्कोर खड़ा किया है।